तो मटर मशरूम के लिए हमें कुछ नहीं, हम मैंने ये चार प्याज ले लिए हैं, चार टमाटर, चार हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और एक छोटी टुकड़ा अदरक का। तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। मसाले के लिए हमें बस यही सब लेना है। मटर मशरूम मसाला के लिए जो सीक्रेट मसाला है वो है 4-5 इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और अपना कसूरी मेथी। मसाला तैयार करने के लिए मैंने दालचीनी और तेज़पत्ता रख लिया है। उसके बाद ये प्याज, मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को फ्राई करनी है जब तक कि थोड़ी सी हल्की ब्राउन ना हो जाए। हम ऐड कर देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें प्याज भुन गया। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाला पक चुका है और मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैंने 1/2 kg मशरूम ले लिया है। और मशरूम में आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, आप आटा लेके इसको आटे इस पर डाल के और फिर इसको साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। तो मशरूम को आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है मशरूम। आप बिल्कुल ये देखिए, मशरूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैंने साफ़ करने के लिए क्या डाला था इसमें, गेहूं का थोड़ा सा आटा या मैदा, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे सारे पार्टिकल जो इसके होते हैं ना वो साफ़ हो जाता है। और इसको आप जो बड़े मशरूम है उसको मैं 4 पीसेस में कट कर लूँगी और जो छोटे मशरूम है उसको मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मशरूम को 4 पीसेस में कट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर रख दिया, उसके बाद मैं मशरूम को इसमें फ्राई कर लूँगी। मसाले तैयार हो गए, अब हम बनाएंगे सब्जी। तो सबसे पहले हम पैन में बटर डाल देंगे। सबसे पहले हम ये मसाले डाल देंगे। मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है और ये है हमारा सीक्रेट मसाला। इन सबको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला भुन चुका है, अब हम ये ग्रेवी बना लिया हमने जो प्याज टमाटर लहसुन इन सब का जो हमने फ्राई किया था उसको हम इसको डाल देंगे। तो ये पूरी ग्रेवी मैंने डाल दी है। अब इसको जो धीमी आँच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसको भूनते रहना है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है। यही है रेस्टोरेंट स्टाइल। घर और रेस्टोरेंट में यही डिफरेंस होता है कि हम जो रेस्टोरेंट में रहते हैं उसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ रहती है। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भुन चुका है अच्छे से इसमें। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है इसमें। अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी। अब हम सब्जी में मशरूम डाल देंगे और इसका टेस्ट जो इन्हेंस करता है वो है बटर। अब जितना बटर डालें सब्ज़ी आपको उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। तो मैंने 1 स्लाइस बटर का भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है। फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो मैं आप लोग को भी बोलूँगी, बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और मशरूम वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।